बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंचे हैं। सृष्टि, ये अपने आप में साफ तौर पर ये कहने के लिए काफी है कि अगरतला पहुंच चुकी हैं शेख हसीना, जो कि दिल्ली से होते हुए लंदन जाएंगी, सूत्र यहां तक कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन भारत जैसा दिखाई दे रहा है कि बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, डीजी कोलकाता पहुंचे हैं, यानी कि हालात पर गंभीरता देखते हुए जिस तरीके से तैयारी भारत की ओर से की जा रही है वो साफ आप देख सकते हैं। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि शेख हसीना भारत पहुंच गई है। बांग्लादेश के हालातों पर भारत की नजर पैनी यहां बनी हुई है, क्योंकि ये सीमा से जुड़ा हुआ भी मामला हो जाता है। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बीएसएफ के जवानों की जो तैनाती है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है। और जीटी बख्शी सर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से डीजी कोलकाता पहुंचे और अब भी ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली के रास्ते लंदन जा सकती है शेख हसीना। हां, देखिए, ये तो देखने की बात है कि वो कहां असाइलम चाहती हैं और इसके आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक मुस्तैदी दिखाई गई है। 1975 का रेपिटिशन नहीं हुआ है। 1975 में भी, जैसे मैंने बताया, उनके तो पूरे, उनके अब्बा हजूर, उनके पिताश्री को असैसिनेट कर दिया था, पूरे खानदान को असैसिनेट कर दिया था, केवल वो बची थी। और इस बार वो और उनकी बहन बिल्कुल सही टाइम में, वो उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है। और अगरतला, जैसे कि आपने पहले बताया, अगरतला पहुंच चुकी है, सेफ है। वहां कहा जा रहा है कि बीएसएफ के सीनियर अधिकारी उनको मिलने गए, रिसीव करने गए एज पर प्रोटोकॉल। अब उनको लाया जा रहा है, दिल्ली आएंगी और उसके बाद क्या होता है ये तो हमको सरकारी सूत्रों से पता चलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की फौज ने अभी वहां पे तख्ता पलट, जैसे आप मानिए, अब ये बिनाइन है या ये एडवर्स है। शेख हसीना पहले भी लंदन में ही रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शेख हसीना से जुड़ी हुई, क्योंकि वो अगरतला पहुंच चुकी है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली आ सकती है शेख हसीना, दिल्ली आ सकती है शेख हसीना। ये बड़ी जानकारी, बांग्लादेश के हालात पर भारत ने भी नजर बनाई हुई है। 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सबसे सुगम रास्ता होता है सीमाओं के रास्ते अंदर देश के अंदर आने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में गड़बड़ाए हैं, माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग भी वहां से मूवमेंट कर सकते हैं, और ऐसे में बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां दिल्ली आ सकती है शेख हसीना। अगरतला वो पहुंच चुकी है, दिल्ली आ सकती है और उसके बाद आगे वो मूवमेंट करेंगी। जीडी बख्शी सर, इसके पहले भी वो लंदन में काफी वक्त तक रही है, तो क्या ये सबसे सेफ जगह नहीं होगी उनके जाने के लिए लंदन? देखिए, ज्यादातर अमूमन दक्षिण एशिया में जब भी कू वगैरह होते हैं तो हमारे जो लीडरान हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अमूमन वो लंदन में जाते हैं। वो एक कैपिटल है जहां असाइलम पॉलिटिकल दिया जाता है। अब इस हालात में क्या होता है, आई'd लाइक टू वेट एंड वॉच कि वो कहां जाना चाहती हैं, क्या वो भारत में रहना चाहती हैं, क्या वो श्रीलंका जाना चाहती हैं, वी डू नॉट नो एज येट, जब तक कि कोई आधिकारिक बयान ना आए। लेकिन जैसे कि आपने बताया, पहले वो लंदन में रह चुकी हैं कई साल, फिर वो भारत आई थी और फिर हिम्मत करके वो वापस बांग्लादेश में। लेकिन ये तो बड़ी सुनियोजित चाल लगती है, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है ये भारत के लिए भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एक संभावना बता रहे हैं कि वो भारत में भी रह सकती है, और अगर ऐसा होता है कि वो भारत में भी रह सकती है तो उसी के साथ बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस बात को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि वहां पर तो उनके पिताजी का जो स्टैचू है उसे तक उन्होंने तोड़ दिया, उनके घर में भी तोड़फोड़ की है। और अगर भारत में शेख हसीना रुक जाती है तो फिर ऐसे में क्या दोनों देशों के बीच में किस तरीके का रुख देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो चीजें हैं ये आप एनालाइज करनी होंगी भारत की सरकार को, और वो सब सोच समझ के, मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है, इस आग में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ना झुलसे बहुत जरूरी है। और इसके लिए शायद मैं समझता हूं कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वो लंदन चली जाती हैं फॉर द टाइम बीइंग या लंबे अरसे के लिए, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात से भारत के साथ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के समय उनके खिलाफ काफी आक्रोश था कि ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बायकॉट किया था, उन्होंने उनको इलेक्शन में लिया नहीं था, और फिर वो बता रही थी कि उनके ऊपर विदेशी ताकतों का बड़ा दबाव आ रहा था भारत के विरुद्ध जाने के लिए,
जो उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल, तो क्या ये ऑरेंज और भारत के साथ हमने हमेशा सर उनके संबंधों को देखा है। जून की अगर हम बात कर ले तो दो बार वो भारत आई थी, एक बार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी, और उसके बाद फिर से 15 दिन के अंदर अंदर वो भारत आ जाती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक यात्रा थी जुलाई में जो की होने वाली थी बांग्लादेश में, लेकिन उनका लगातार भारत से जुड़ा होना, भारत आना, और ऐसे में अब ये समझा जाए कि अगर वो भारत रुकना चाहती है तो उन्हें रुकने दिया जाएगा, और अगर वो जाना चाहती है तो उन्हें उस तरीके से सारी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी कि वो आगे सेफ जोन में चली जाए। बेशक बेशक, देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूं, अब सरकार को फैसला लेना होगा कि क्या वो भारत के हितों को मद्देनजर रखते हुए, फ्यूचर रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, आप जीटी बख्शी सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये भारत की सरकार को यहाँ सीधे तौर पर फैसला लेना होगा हालातों को मद्देनजर रखते हुए, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या शेख हसीना भारत रुकती हैं या फिर वो यहाँ से लंदन का जो सफर है जैसा कहा जा रहा है वो यहाँ पर तय करेंगी, और भारत की ओर से एक सेफ पैसेज जो है वो उनको मुहैया करवाया जाएगा जिस तरीके के हालात अभी देखे जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से या फिर कोई एडवाइजरी यहाँ पर सीधे तौर पर जारी की जाए या फिर पुष्टि की जाए इस बात की, वो तमाम चीजें अभी देखने वाली है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास के भीतर की भी और बाहर की भी, कि किस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर इस समय सैलाब, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हाथों में कुर्सियां, कूलर, यानी कि आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के भीतर का सामान था उसको लेकर जाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि जो कीमती सामान होते हैं प्रधानमंत्री आवास के भीतर, किसी भी ऐसे बंगले के भीतर उसके अंदर का जो सामान है वो एक एक करके लेकर निकलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीएम हाउस के भीतर और बाहर दोनों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालातों से बांग्लादेश इस समय जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो नहीं बल्कि कई हजार की संख्या में भारतीय भी बांग्लादेश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, उनको लेकर भारत सरकार की तरफ से अब क्या आगे एडवाइजरी जारी की जाएगी वो भी यहां पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है, कई हजार भारतीय वहां पर बांग्लादेश के अलग अलग कोनों में रहते भी हैं। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शेख हसीना को लेकर, जो बड़ी खबर है वो हमने आपको बताई कि हसीना का विमान दिल्ली आ सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कभी भी वो दिल्ली आ सकती हैं। झारखंड के ऊपर हसीना का विमान है, ये भी इस समय अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। तो शेख हसीना को लेकर पल पल का अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। और जो आज की तस्वीरें जो आज की तस्वीरें हैं वो याद दिलाती हैं 1975 की तस्वीरों की भी, 1971 का वो ढाका जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, 1971 में वो ढाका बन जाता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो ऐसी जगह थी, पूर्वी बंगाल जिसे अलग किया जाता है 1971 में, और इसी के साथ बांग्लादेश के नाम से देश का गठन होता है 1971 में। हालांकि जो सिचुएशन थी उन्हें सामान्य करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन 1975 में एक बार फिर से हिंसा की आग देखने को मिली थी। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, बांग्लादेश के जनक की हत्या कर दी गई थी 1975 में, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना किसी रास्ते से भागती है, वापस आती है, भारत आती है, उसके बाद लंदन चली जाती है, और कई अरसों के बाद वो वापस लौटती है, भारत के रास्ते ही वापस से बांग्लादेश जाती है, चार बार की प्रधानमंत्री चुनी जाती है। और आज 1975 के बाद 2024 में वही स्थिति एक बार फिर से बन गई है बांग्लादेश में, जहां बांग्लादेश में सड़कों पर प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में उतरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के आवास में भी घुस गए हैं, उनके बेडरूम तक घुसे, उनके बेडरूम को भी तोड़ा गया है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो साफ तौर पर यह है कि हसीना का विमान दिल्ली आ रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं, झारखंड के ऊपर है उनका विमान, बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंचे हैं, बीएसएफ के आला ऑफिसर उसके पहले अगरतला पहुंचे थे। 24 घंटे के लिए भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर अलर्ट बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है 24 घंटे के लिए। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात क्या है ये भी जान लीजिए।